पार्ट फर्स्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे, आज लेते हैं पार्ट फिफ्थ, जिसमें अपन पिछली क्लास में देख रहे थे कि किस तरह से जो फर्स्ट डे सेकेंड डे के एलिमेंट है वो अलग अलग संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, अब अपन लेते हैं इसकी विलायकन प्रवृत्ति। विलायकन प्रवृत्ति क्या होती है? जब किसी भी धातु आयन को जल में घोला जाता है या यौगिक को जल में घोला जाता है, जो धनायन होता है उसके चारों तरफ वाटर का नेगेटिव पार्ट और ऋणायन के चारों तरफ वाटर का पॉजिटिव पार्ट चारों तरफ से घेर लेता है, और घेरने के कारण से जो आयोनिक बॉन्ड दोनों के बीच में बना है वो वीक हो जाता है और आयन है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से इसे आयनों का विलायकीकरण कहा जाता है। धनायन का आकार छोटा होने पर उसकी गतिशीलता व चालकता अधिक होनी चाहिए, परंतु विलायक योजित धनायन का आकार बड़ा होने के कारण से, विलायकन प्रवृत्ति के कारण से लिथियम की चालकता कम होती है। देखिए, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, आकार सबसे बड़ा है सीजियम प्लस का, परंतु जल योजित आकार देखना है। यदि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम प्लस और सीजियम प्लस, जब अपन ने दोनों को पानी में डाला तो लिथियम का आकार छोटा होने के कारण से ये वाटर के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अधिक आकर्षित करेगा, क्योंकि छोटे धनायन की जो ईयन होती है, विद्युत ऋणता है, अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है वो अधिक है। इस कारण से ये वाटर को अपनी तरफ अधिक अट्रैक्ट करेगा, जबकि सीजियम का आकार बड़ा होने के कारण से, ईयन कम होने के कारण से, अट्रैक्शन पावर कम होने के कारण से ये वाटर के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ कम आकर्षित करेगा, जिससे जल योजित आकार का मान बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा जल योजित आकार लिथियम प्लस का और सबसे छोटा आकार सीजियम प्लस का, 3.34 एंगस्ट्रॉन्ग, 2.28 एंगस्ट्रॉन्ग। तो विलायकन ऊर्जा या चालकता हमेशा जल योजित आकार पर निर्भर करती है। चालकता का क्रम इससे उल्टा होगा। किसी भी यौगिक को घोलने में दो ऊर्जाएं काम में आती है, एक जल योजन ऊर्जा या विलायकन ऊर्जा और दूसरी चालक ऊर्जा। अपन जानते हैं कि फर्स्ट डे और सेकेंड डे के तत्व सारे धातुएं हैं और ये आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। आयनिक बंध बनने के अंदर धनायन और ऋणायन जब आपस में पास में आते हैं तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी कहते हैं। और जब किसी आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो जल में घोलने के कारण से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे जल योजन ऊर्जा कहा जाता है। यदि जालक ऊर्जा का मान जल योजन ऊर्जा से अधिक होगा तो आयनिक बॉन्ड टूटेगा नहीं और आयनिक बॉन्ड बना हुआ रहेगा और यौगिक जल में अविलय होगा। और जब सॉल्वेशन एनर्जी जल योजन ऊर्जा का मान लैटिस एनर्जी की तुलना में अधिक होगा तो ये यौगिक जल में विलयशील होगा। यदि ऊर्जा व यौगिक की विलयशीलता में ग्राफ बनाया जाए तो निम्न प्रकार से प्राप्त होगा। तो देखिए, वॉन हेबर साइकिल, या फिर इसे इस तरह से समझिए, धनायन M प्लस गैसीय अवस्था में धातु आयन धनायन तथा ऋणायन के मध्य जो बंध बनता है, जो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, आयनिक यौगिक में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। तो M प्लस MX यदि अपने आयनों में टूटा तो जालक ऊर्जा,
एमएक्स को अपन ने जल में विलय किया तो ये आयनों में पुनः टूटेगा, तो इसे कहेंगे विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा। जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा दोनों में डेल्टा एच का अंतर है। यदि डेल्टा एच का मान विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होगा तो ये जल में विलयशील होगा, और यदि जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से कम होगा तो ये जल में अविलयशील होगा। लिथियम चार जल के अणु के साथ में चतुष्फलकीय संकुल बनाता है। लिथियम H2O का होल पर प्लस आयन, तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या चार है और संकरण का प्रकार होगा इसमें sp3 और ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। पोटेशियम रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण से पानी के छह अणुओं के साथ में अष्टफलकीय संकुल बनाता है। के H2O का होल 6+ आयन, तो संकरण का प्रकार है इसमें D2SP3। जल के अणु लिगेंड का कार्य करते हैं। लिथियम देखिए, लिथियम तीन एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s1। लिथियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1s2, 1s2, 2s और 2p खाली है। यहाँ पर चार लिगेंड, चार कक्षक, एक s और तीन p का कक्षक संकरण में भाग लेंगे और संकरण का प्रकार होगा sp3। sp3 चार H2O एज ए लिगेंड अपने लोन पेयर इन खाली कक्षकों में डोनेट कर देंगे और कॉम्प्लेक्स बनेगा Li H2O का होल फॉर प्लस वन आयन। इनके EDTA जो है वो, ये थोड़ा सा पोर्शन में वापस रिपीट करती हूँ कि कठोर जल किसे कहते हैं और सॉफ्ट जल किसे कहते हैं। कठोर जल वे होते हैं जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये साबुन के साथ में झाग नहीं देते। और मृदु जल वे होते हैं जिनमें ये आयन उपस्थित ना हो, जो साबुन के साथ में आसानी से झाग दे। तो कठोर जल का आकलन किस तरह से किया जाता है? कठोर जल हार्ड वाटर की हार्डनेस को EDTA लिगेंड के द्वारा नापा जाता है। EDTA लिगेंड का उपयोग किया जाता है। EDTA एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट एसिटिक एसिड टेट्रा एसिटेट आयन। एथिलीन डाई एमीन CH2 CH2 NH2 NH2। एथिलीन डाइएमीन NH2 NH2 के चारों एच हटाकर यदि इनकी जगह पर एसीटेट आयन CH2CO- लगा दिया जाए तो बनने वाला लिगेंड हेक्साडेंटेट होता है। एथिलीन डाइएमीन ये कैल्शियम आयन के साथ में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और EDTA ये टाइट्रेशन करके अपन कठोर जल की कठोरता ज्ञात कर सकते हैं।